ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कई बार बोलता है आदि सो अंत होगा, आदि सो अंत होगा। तो आदि में जब बाबा का बेगड़ी पार्ट आया था ना, बेगड़ी पार्ट जब सब कुछ नहीं था, तो सुबह में बाबा क्या करता था, नाश्ता तो नहीं बनता था बेगड़ी पार्ट में, सुबह नाश्ता नहीं बनता था। हर बात में कल्याण समाया हुआ है, ये पहले से निहित था। लगता है कि पैसा नहीं था इसलिए नाश्ता नहीं बन रहा है, लेकिन नाश्ता को किनारा करवाया गया जानबूझ के। और सुबह में क्या किया जाता था कि सारी बहनों को भाइयों को ले जाया जाता था मॉर्निंग वॉक पर, मॉर्निंग वॉक योग करने के बाद सब मॉर्निंग वॉक में जाते थे पहाड़ों पर, बाबा पहाड़ी पर ले जाता था। और कंदमूल उस समय थोड़ा जंगली इलाका था, अब तो बहुत साफ हो गया है, तो कंदमूल जो मिलता था वही सब खा के रहते थे। और खाना बनता था 1 बजे तक, 1 बजे के बाद फिर खाना खाया जाता था। कंदमूल खा लिए उसके बाद 1 बजे खाना खाया जाता था। तो देखिए उस समय आदि सो अंत बाबा बोल रहा है, तो अब वो अंत में हम लोगों को भी फॉलो करना है। आप अपने से फॉलो कीजिए, चाहे समय करवाएगा, ये करवा रहा है कि नहीं, आज हो रहा है कि नहीं। अभी आप बोल रहे होंगे कि हमको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि शरीर साथ नहीं दे रहा है। ज़्यादा भोजन भी खा के लोग स्वस्थ नहीं रह पा रहा है, नहीं रह पा रहा है। जैसे उस समय बोले कि बेगरी पार्ट था ना, इसलिए खाना नहीं मिला, लेकिन अभी आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। और आप बोल रहे हैं ना कि हम खाते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, लेकिन आज पेट भरने के चलते नेचुरल भी भोजन जो खा रहे हैं ना, वो भी ज़्यादा ज़्यादा फुलाकर खा रहे हैं, ज़्यादा ले ले रहे हैं। वो भी एक लिमिट था, लिमिट होता है खाने का, वो भी ये नहीं कि भूख लग रहा तो ज़्यादा खा लिए, वैसा नहीं। सुबह में हल्का एकदम खाइए, और चलता शरीर हम लोगों का ऐसा होना चाहिए, इतना स्फूर्ति रहना चाहिए नींद भी ख़त्म हो जाए। हम लोगों का शरीर इतना भारी हो गया है ना कि इसीलिए नींद भी ज़्यादा आता है, भूख भी आदत बन गया है शरीर को, जीभ को आदत बन गया है, भूख नहीं लगा हुआ लेकिन जीभ मांग रहा है, मन मांग रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने आप को अब आदि सो अंत के पाठ में स्थिर कर लो, और बार बार अपने आप को ले जाओ कि मैं आदि की आत्मा हूँ, सो अंत में भी पाठ बजा कर एग्जाम्पल बनने जा रही हूँ, सबके लिए एग्जाम्पल बन जाना है। तो हम लोगों को बार बार बाबा बोलता है ना कि बच्चे तुम्हें हर बार में सोचना है कि मैं आदि सो अंत वाली आत्मा हूँ, हर बात में यही सोचना है। आज बाबा सुबह में जो मुरली चलाया उसमें भी बाबा बोला 15 दिन का, 15 दिन का छुट में ये दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं 15 दिन का। अभी देखिए कि बाबा ये भक्ति मार्ग में 9-9 दिन लोग केवल फल फ्रूट पे रह रहे हैं कि नहीं, रह रहे हैं ना फल फ्रूट पे। लेकिन आज बाबा के बच्चों में ही मतलब बाबा बोल दिया ना कि कुछ नहीं खा, मतलब मानना है सब कुछ खाओ पियो, तो बच्चों में भी अलबेलापन आ गया ना कि हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। जब भक्ति मार्ग में भी आत्माएं आज कर रही हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे। तो आज 15 दिन का होमवर्क दिया है, उसको फॉलो करना है। लक्ष्य वैसा लक्षण, लक्ष्य वैसा लक्षण बाबा बार बार बोलता है ना। तो लक्ष्य हमारा क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना। अब लक्ष्मी नारायण का क्या दिखाते हैं सतयुग में कि बड़ा बड़ा फल होगा वहाँ पर, वो फल एक ठो खा लिए, रस रसदार फल होगा, वो फल खा लिए पेट भर जाएगा। लेकिन अभी है वैसा, अभी खा रहे तो बीमार पड़ रहे, नहीं खा रहे तो बीमार पड़ रहे, दोनों ही स्थिति आ गया है। बोलते ना कि गैस फिर भी हो रहा, खा रहे तो गैस, नहीं खा रहे तो भी गैस। लेकिन अगर बाबा के अनुसार चलेंगे ना तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। आपका शरीर हर वक्त बोलता है आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे रहना है, आपका शरीर बोलता है। और पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं शरीर को, लेकिन हम अपने अंदर अनुभव करते कि शरीर बोलता है कि अभी भोजन खाने का नहीं करो, अभी भोजन मत खाओ, पेट भरा हुआ है। लेकिन जीभ और मन क्या बोल रहा है ना कि नहीं, रोज खाते हो ना इस टाइम पे तो खा लो। ऐसा आप लोगों को आता है कि नहीं, शरीर का भाव समझ में आता है कि नहीं, आता है समझ में कि आपको शरीर अलाउ कर रहा मत खाओ, और मन और जीभ बोलता है कि खा लो इस टाइम खाते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इग्नोर कर दे रहे हैं शरीर को,
शरीर वो हमें चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अभी तुम्हारा पेट भरा हुआ, अभी मत खाना, अलाउ नहीं कर रहा शरीर। हम लोग टाइम और जीभ के लालच में, स्वाद के लालच में खा ले रहे हैं, आज वही बीमारी का कारण बन रहा है। और बाबा भी बोल रहा है कि बच्चे धीरे धीरे डिटैच हम तुमको कर रहे हैं, भूख नहीं लगना, कोई खराबी नहीं है, ठीक है आपको भूख नहीं लग रहा, एक एप्पल खा के रह जाइए, पानी पी लीजिए, एप्पल खा के भूख नहीं लग रहा तो बड़ा अच्छा है, चलो ठीक है एप्पल खा ली, ताकत वही मिल जाएगा, शरीर उतना ही लेगा ना। अभी देखिए कि कोई कोई बच्चा होता है ना इतना ही थोड़ा सा खाता है, और कोई इतना इतना खा लेता है, सबका अपना अपना है एक्सेप्ट करने का, तो शरीर को जितना लेने का वो लेगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जीव और मन की इच्छा से आप कुछ भी मत कीजिए। तो बाबा बार बार बताता हम लोगों को ये सब चीज़ कि बच्चे अपने आप को चेक करो कि कहाँ तुमसे मिस्टेक हो रहा है, जो शरीर में रोग आ रहा है। रोग आने का मतलब ही है कि आप शरीर को इग्नोर कर रहे हैं। बाबा ऐसा कभी नहीं बोला, शरीर को इग्नोर करो, किनारा करो, शरीर से ही हमें पुरुषार्थ करना है। अभी देखिए एक भाई है तो वो ये सब कल चक्कर देके गिर गया, चोट लग गया पूरा, तो पूछे उनसे कि क्या आपको पता नहीं चला कि शरीर मेरा अलाउ कर रहा है कि नहीं, जाने के लिए कहीं रहने के लिए अलाउ कर रहा था कि नहीं। तो बोले कि नहीं, जब बाहर निकले तब लगा कि हमको चक्कर देगा। बोले नहीं, बिल्कुल गलत, आपको घर में दो चार दिन पहले से वो बोलने लगता है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये बोलना शुरू कर देता है, आप उसका बात सुनते ही नहीं हैं। और जब रिजल्ट आ जाता है तो बोले हमको कुछ नहीं पता चला। कैसे पता चलेगा लोगों को, कैसे पता चलेगा कि हाँ आपका दोष है, आप सुने ही नहीं, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। समाधान बोलता है बाबा, हर बात में समाधान करने के लिए कहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सभी को अपने को सदा चमकता हुआ सबसे पहले सितारा देखना है। अब सितारा को क्या चाहिए, और सितारा में ताकत होता ना तो ही शरीर चलता है। आज एक लंबा चौड़ा व्यक्ति भी काम नहीं कर पा रहा, और आज एक दुबला पतला भी आदमी काम बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा इसमें क्या कारण हुआ, आत्मा का शक्ति है ये, शरीर का शक्ति नहीं, आत्मा की शक्ति शरीर को शक्तिशाली बनाती है। तो इसलिए बाबा बार बार कहता है कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, आत्मिक स्थिति में लाओ। तो बाबा कहता है कि बच्चे बार बार ये फील करो कि मैं आत्मा हूँ, लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ, परमात्मा से डायरेक्ट शक्ति भर रही हूँ। अब मुझे इन स्थूल चीज़ों से धीरे धीरे किनारा करते चले जाना है। क्यों किनारा करना है, अभी आप बोलेंगे कि अरे बाबा तो सब कुछ खाने के लिए मना कर रहा, क्यों मना कर रहा, सबसे पहले आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। सब कुछ मिलते हुए भी, रहते हुए भी ऐसा ऐसा बीमारी हो जाएगा कि आप खा नहीं पाएंगे फिर। अब बाबा नहीं चाहता है कि आपको बीमारी हो तब आप कुछ छोड़े, नहीं चाहता है बाबा, जान रहा बाबा कि ये शरीर एकदम कमजोर हो चुका है, इसीलिए पहले से ही बाबा सारा चीज दे रहा है कि बच्चे फॉलो कर लो। और तुम अगर पहले फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा पद भी ऊंचा हो गया कि देखो मतलब कुछ नहीं हुआ तो भी सारा धारणा कर ली, बड़ा युक्ति से बाबा चल रहा है। लेकिन हम बच्चे बाबा का युक्ति नहीं समझ पाते हैं तो बोलते अरे यहाँ जाने के बाद सब छुड़ा दिया जाता है, यहाँ तो ऐसे होता है, यहाँ तो ऐसे होता है, बस यही पकड़ लेते। अरे भगवान कह रहा है ये तो समझो, कौन कह रहा है, भगवान कह रहा है, तो किस कारण से कह रहा है। कल आप बेड रेस्ट में आ जाएंगे ना, बीमार पड़ जाएंगे तो आपको फील होगा कि बाबा तो सब कुछ बोला था। आज देखिए बाबा के अब हमेशा बोलते बाबा जो करवाना है आप करवाओ, ये तन आपका, ये मन आपका, ये जीवन आपका है बाबा, और हम कर्म भोग के कारण मजबूर में नहीं करें, मजबूरी में नहीं करें बाबा, हम पहले सारा धारणा करें। धारणा का भी बाबा बोलता ना मुरली में रेस करो, धारणा का रेस करो, कोई कुछ कर रहा हम उससे भी आगे निकल जाएं, कोई कुछ कर रहा हम उससे, अरे ये सब तो कर ही लिए हैं, लहसुन प्याज छोड़ दिए, नॉन वेज छोड़ दिए, ब्रह्मचर्य का अपना लिए, बहुत कर लिए, इतना ही में लोग सीमित हो जा रहे हैं, इतना ही में लोग सीमित हो जा रहे हैं और सोच रहे हम तो बहुत कर रहे हैं। रेस चल रहा है, आप मैट्रिक पास हो गए हैं, जाके दुनिया में निकल के देखिए सब आइए बीए पास, कितने लोग मिल जाएंगे आपको बैठे हुए, उसके बाद और ऊंचा पढ़ाई पढ़ के भी लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि आप मैट्रिक कर लिए तो आप महान काम कर लिए, बस ये मैट्रिक है, लहसुन प्याज नॉनवेज और ब्रह्मचर्य ये मात्र मैट्रिक का परीक्षा है, बस वो पास किए, उससे कुछ भी आज के डेट में नहीं हो रहा है,
उसके अलावा बहुत कुछ करना है हम लोगों को जीवन में, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। रेस चल रहा है, ये अंतिम समय आ गया है, तो अंतिम में ये रेस चल रहा आपको। देखिए हम एक होता ना कि मन का भी धारणा कर लिए, किसी के प्रति हमको कोई नेगेटिव नहीं चलाना, बैठ गए, ये भी कम पड़ रहा आज के डेट में भाभा के बच्चों के लिए, ये भी कम पड़ रहा है कि आप मन से भी अच्छा सोचने लगे। लेकिन मन से अच्छा सोचने में भी बाबा क्या बोला कि लक्ष्मी नारायण अगर बनना है तो आपको संगठन को लेकर चलने का राजनीतिक गुण भी आना चाहिए, तो धार्मिक सत्ता भी होना चाहिए आपके हाथ में। तो आप धार्मिक सत्ता ले रहे हैं, राजनीतिक सत्ता से हाथ मोड़ ले रहे हैं, किनारा कर ले रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं। बाबा न करण करावन एक ही उपाय दे देती हैं कि बाबा करण करावन है, हम क्या कर सकते हैं, बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, करवाएगा तो हम ही लोग से। और अगर आप बाबा को बार बार बोल रहे हैं, बाबा बोलते हैं वैसे बच्चे मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। कौन से बच्चे? जो ऑफर करते हैं कि बाबा हमको सेवा करना आप करवाइए, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। बाबा आपको मजबूरी से करवाएं ये बाबा को पसंद नहीं है। बाबा चाहता है कि बच्चे ऑफर करें कि बाबा आप हमको सेवा कराइए, हम करना चाहते हैं बाबा, दिन रात उसका संकल्प बाबा तक पहुँचना चाहिए कि हाँ बाबा करेंगे, और एकदम अपने मन को बुद्धि को एकदम शांत रखेंगे, बाबा का टचिंग आ जाएगा, पहले से टचिंग आ जाएगा कि हाँ बच्चे तुमको अब ये कर लेना है। और देखिए हो भी रहा है, कल देखिए कि मुरली तो नहीं देखे थे आज का, कल सारा चीज़ बाबा क्लियर कर दिया, परसों से ही कर रहा था क्लियर कि तुमको करना है, इग्नोर थोड़ा सा कर रहे थे, लेकिन कल एकदम क्लियर कर दिया और सारा बाबा लिखवाते गया। अमृत वेले ने कल ही लिख लिए थे और सारा दिनचर्या लिखवाया कैसे तुमको अभी चलना है, सब कुछ छोड़ना है अब पहले से। और आज की मुरली में एकदम बाबा क्लियर कर लिया, सुबह की मुरली में, कि तुमको ऐसे ऐसे दिनचर्या करना है। तो इसीलिए रेस हो रहा है अभी, बहन भाई बहने बहुत सारे जुड़ चुके हैं बाबा के ज्ञान में। अब बहुत बच्चे इसमें मूंझ जाते हैं, अरे इतने सारे दादियां हैं, भाई बहन हैं, बहुत सारे दीदी लोग हैं, इतना सेवा करी उन लोग तो आगे निकल जाए, निकली हुई है, हम लोग तो अब आए, अब क्या कर सकते। बोलते हैं ना कि कभी कभी घर में 5 बेटा है, सबसे छोटा बेटा अच्छा जॉब में पहुंच गया और 4 बेटा लटका हुआ है ना, तो छोटा बेटा बोलेगा अरे उन लोग तो नहीं किया तो हम क्या कर लेंगे, ऐसा नहीं ना। तो उसी तरह यहाँ भी है, ये सब नहीं देखना हम लोगों को कि कौन कितना किया। हाँ तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने को पहले तो ये धारणा पक्का करो मैं आत्मा हूँ, धारणा पक्का नहीं है, नॉलेजफुल हो गए हो, नॉलेजफुल हो गए मैं आत्मा हूँ, लेकिन धारणा पक्का नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूँ। आज किसी से भी बाबा के बच्चों से पूछेंगे आप कौन हो, फट से बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्या आत्मा समझ के चल रहे हैं 24 घंटे? क्या आत्मा समझ नहीं चल रहे हैं? नहीं, हम तो पूरा ज्ञान रखते हैं दिन भर, हम सबको समझ, अगर समझते तो क्लियर है कि आपको दुख नहीं होगा, बिल्कुल दुख नहीं होगा, ये क्लियर है। लेकिन आप आत्मा नहीं समझ रहे, आप नॉलेजफुल तो बन गए हैं बस मुख से बोलने वाला, धारण करने वाला नहीं। हमें समझ कर चलना है पूरे 24 घंटे मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा अपने गुणों को याद करना है, आत्मा में कौन सा गुण है, सारा गुण है, ज्ञान गुण शक्ति सब सारा गुण है, कब क्या फैसला लेना है ये आत्मा जानती है। आत्मा जब हाथ में दर्द होता है, जब कहीं उंगली कट जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम कर रहे हैं उंगली कट गया लेकिन आपको पता नहीं चला, क्योंकि आत्मा बिजी है दूसरे कामों में। लेकिन जब अटेंशन अगर सामने चला गया कि उंगली कट गया, आप उपाय करते हैं कि नहीं, आप उपाय करते हैं ना कि छोड़ देते जाओ जो हो रहा होने दो, ऐसा छोड़ दे, ये सारा कर्मेंद्रिय हमारा प्रजा है, प्रजा का केयर नहीं करेंगे तो प्रजा पे राज्य कैसे करेंगे, स्वराज अधिकारी कैसे बनेंगे। आप प्रजा को तड़पता हुआ छोड़ देंगे तो प्रजा आपको थोड़ी वैल्यू देगी, ये पहले इसीलिए बाबा स्वराज अधिकारी क्या होता है कि मतलब जो काम हम बोले वो कर दे, ये स्वराज अधिकारी पूरा नहीं हुआ, ये आधा अधूरा हुआ कि हम बोले कि आंख मत देखो उधर, बस वो नहीं देखा, ये है सोच रहे हैं स्वराज अधिकारी, पूरा ये स्वराज अधिकारी नहीं है। स्वराज आप राज्य किसी के ऊपर कब करेंगे, जब एक तो दिल जीतेंगे किसी का, उसका केयर करेंगे हर तरह का, और समय समय पर आप उसका केयर करेंगे, हर चीज बताएंगे भी, जैसे कि बोलते हैं ना मित्र वो
तो बाबा कहता है कि बच्चे अपनी कर्मेंद्रियां तुम्हारी प्रजा है, तुम्हारे बच्चे हैं ये, अगर तुम केयर नहीं करोगे तो ये तुम्हारा साथ नहीं देंगी। इसलिए स्वराज अधिकारी में बहुत कुछ आ जाता है, केवल आप राजा बनकर इसको खटाते रहे ये भी तो नहीं। मेरा बच्चा कितना करने लायक है उसी के अनुसार नाप दीजिएगा सब्जेक्ट कि ज़्यादा सब्जेक्ट दे देंगे बच्चों को। हाँ मेरा देखिए, अब बच्चों में भी देखिए कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई गाना गाने का शौक रखता है, कोई पेंटिंग करने का शौक रखता है। आप बच्चों के अनुसार भी बोलते हैं ना कि ठीक है तुमको जो करना है अच्छे से करो, करवाते हैं ताकि वो उसी चीज़ में आगे बढ़े। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि हमें कर्मेंद्रियों की आवाज़ सुननी चाहिए, कर्मेंद्रियाँ हमारी क्या बोल रही हैं, मन हमारा क्या बोल रहा है उसको सुने, और सुन के उसके बाद उसको अगर समाधान कर सकते, जैसे मन तो फालतू इधर उधर घुमाता रहा शांत होता है, उसको समझाएं बैठ के, समझाने सुनने आता है मन का बात सुनने में आता है। जो योग युक्त रहते उसको मन का आवाज सुनाई देता है, शरीर का आवाज सुनाई देता है, शरीर आपका एक एक कर्मेंद्रिय आपको बोलता है। अच्छा आंख में कुछ घुस जाता है तो आंख बोलता है कि नहीं कि कुछ घुस गया है, इसको निकालो पहले नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे, आवाज देता है ना। तो ये तो स्थूल रूप से सुनना हुआ, चलो बाहर से देख लिए सुन लिए, लेकिन सूक्ष्म रूप से भी अपनी ही कर्मेंद्रियों को पढ़ना सुनना शुरू कीजिए। इस पे स्वराज अधिकारी बनिए, और ये नहीं कि हमारी प्रजा है खटा रहे उसका पे भी नहीं दे रहे कुछ भी, और खाली खटा रहे, ऐसा नहीं है। बाबा बहुत सुंदर अटेंशन हम लोगों को दिलवाता है कि बच्चे राजा या महाराजा का पद इतना आसान नहीं होगा, राजा महाराजा का पद पाने के लिए हर सूक्ष्म चीजों पर ध्यान रखना होगा। एक अच्छा राजा महाराजा का क्या, बहुत ऐसा कहानी आता कि गुप्त भेष में अपनी प्रजा में भ्रमण करते थे और देखते थे कि कौन क्या कर रहा है, कौन मेरा प्रजा किस कारण से दुखी है, उस पर कैसे हमारी मतलब शासन कर रहा मंत्री सलाहकार ये सब जो है मेरे सामने, वो कैसे उसको ट्रीट कर रहा उसको। तो इस तरह से जाता था, देखता था अरे यहाँ ये खराबी, राजा के नाम पर क्या कर रहा, गलत कर रहा, उसके बाद वो समाधान करता था। उसी तरह मन और बुद्धि जो राजा बन गया है वो इन कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती खटाते जा रहा है, या तो फिर एकदम बैठा देता है कि एकदम में मत करो, आलस्य अलबेला पल्ला देता है। लेकिन राजा क्या है कि वो केयर करे, हर चीज का केयर करे कि कहाँ क्या करना है, तब वो राजा बनेंगे। राजा इतना आसान पद नहीं है कि केवल स्वराज अधिकारी बन गया मतलब कर्मेंद्रियों को काम में लगा दिए, नहीं। बाबा कहता है एक एक सूक्ष्म चीजों पर अटेंशन दो। तो बाबा कहता है देखो बच्चे, बाबा कहता है कि आपके एक एक सेकंड की प्लानिंग बाप के पास पहले से है, प्लानिंग तो पहले से बाबा के पास है, लेकिन आपको तो उसको उस पर चलना होगा ना, उस पर चलना होगा। तो सेकेंड बाई सेकेंड की प्लानिंग हो रही है, इसीलिए जब आप कार्य व्यवहार में आते हो और अगर कोई कुछ गलत करता है या कुछ नुकसान करता है तो आप बाबा को साथ रखकर बहुत प्यार से समझाने दे दो, और फिर वो सारी बात बाप को सौंप दो, आप समझाने दो, सब कुछ करो, समाधान भी करो, लेकिन ज्ञान युक्त योग युक्त होकर समाधान करो, और उसके बाद बाबा पे समर्पित कर दो। देखिए समाधान होगा जरूर, एकदम होता है, हो रहा है। और देख रहे ना कि अभी समय ऐसा आ गया है कि अब सारी आत्माओं के साथ बहुत प्रेम वाला व्यवहार बनता जा रहा है, जिसके साथ बुरा भी है ना वो सब चुप्तू होके, और देख रहे समाधान अपने आप होता जा रहा है। केवल आपका टेंशन ज्ञान युक्त योग युक्त होना चाहिए। कितना सुंदरता से हो रहा है ये कार्य, डिटैच थोड़ा देर होकर उसके बाद देख रहे हैं तो बाबा बहुत अच्छे से सबको सुधार। और अगर कोई बुरा भी कर रहा था या नहीं अच्छा कर रहा, तो देखते हैं कि शायद मेरे लिए वो रास्ता छोड़ा हुआ था कि तुम आओ इस पे चलो, उसके बाद हम लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। वो अभी आगे है लेकिन वो हमारा इंतजार कर रहा है कि तुम ये चीज करो, ये दिख रहा है अब, लेकिन अपने आप को अगर अटेंशन देंगे तभी वो रास्ता पे चल सकेंगे, नहीं तो आपको रास्ता तो दिख ही नहीं रहा, आपको तो केवल विघ्न दिख रहा है कि विघ्न आ रहा, विघ्न ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा, ये दिख रहा है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि अगर वो गलत कर रहा तो बाबा हमें मौका देने जा रहा है, लेकिन कैसे मौका देगा, आपको अपने ऊपर पहले अटेंशन देना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर संकल्प के पीछे मेरा क्या भाव है, हर चीज पे अटेंशन देना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज खुद पर स्वराज अधिकारी बने,
24 घंटे देखे, शरीर की आवाज को सुने, मन बुद्धि की आवाज को सुने और स्वराज अधिकारी, सच्चा स्वराज अधिकारी बनना है और आत्मा का केवल ज्ञान नहीं, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाना है, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाना, न दुख की फीलिंग, न सुख की, न निंदा की, न स्तुति की, इस पे ही विशेष ध्यान देना। ज्ञान कुछ और नहीं है, ज्ञान बिल्कुल सार में है, लेकिन विस्तार बाबा को करना पड़ा क्योंकि हम लोग को विस्तार में जाने का आदत था, लेकिन ज्ञान एकदम छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, नहीं तो बहुत विशाल है, तो हमें सार में अब आना होगा क्योंकि अब अंतिम समय चल रहा है, अब सार में आते जाइए समाधान होता चला जाएगा और सदा समाधान स्वरूप ही रहे, हो जाएगा, बाबा कर देगा, हम छोड़ देंगे, नहीं वैसा नहीं होता है, समाधान तो आपको देखना होगा। तो इसलिए हर जगह और ज्ञान युक्त योग युक्त समाधान, आज बाबा क्या बोला कि जजमेंट मत दो, सुधार कर दिखाओ, सबको सुधार कर और सही ढंग से सुधारो सबको, गलत ढंग से नहीं, छोड़ दिए वो सुधार नहीं है, हमें सुधारना है लेकिन युक्ति युक्त भी, और वो कमजोर है तो हम उसे शक्तिशाली बनाना है, करवाना भी है, उसके लिए एक संकल्प गलत मात्र नहीं, किसी के लिए भी गलत मात्र संकल्प नहीं, एक संकल्प नहीं, इस पे अपने ऊपर अटेंशन दे, वो गलत नहीं है, वो कमजोर है, वो माया के जाल में फंसा हुआ है, वो क्या करे, हमें उसे निकालने के निमित्त बनना है और हमें निकालना है, निकालना तो जरूर है, एकदम कांटों में रोज उसको कांटा चुभ रहा है, रोज कांटा चुभ रहा है, अगर हम उसको निकालने में एक आध कांटा चुभ भी रहा तो 10 कांटा निकल भी रहा है ना, तो एक कांटा अगर चुभ जाए तो उसको इग्नोर भी करके उसको निकाल लेना है ताकि 10 कांटा से वो मुक्त हो जाए, लेकिन अगर आप एक कांटा भोगने की बजाय छोड़ दे रहे हैं तो उसको 10 कांटा बार बार चुभ रहा है, तो इसीलिए हमें समाधान स्वरूप बनना है, सभी आत्माओं के लिए रहम दिल बनना है, क्षमा का सागर बनना है, शुभ भावना शुभ कामना से भरपूर होना है, तब कहेंगे आप स्वराज अधिकारी बनकर विश्व राज अधिकारी बनने के लायक है, बाबा परख कर बैठाएगा, विश्व राज तख्त पर ऐसे ही नहीं बैठा देगा, लोग बहुत लोग बोलते हैं ना कि बाबा तो इसको ऐसा ही आगे बढ़ा दे रहा है, ऐसा ही, बिना बाबा परखे नहीं बैठाता है किसी को, जितने भी निमित बनते जा रहे कुछ ना कुछ क्वालिटी है तभी बैठा रहा है, लेकिन हमें ये भी नहीं फंसना है कि बाबा बैठाया तो हम उसके पीछे ही रहें, बाबा ये भी तो नहीं बोला, रेस करो बच्चे, रेस करो, रेस करना आएगा तब तो रेस करेंगे ना, हम तो मान बैठे हैं कि बाबा उसको निमित बना दिया अब उसके आगे नहीं, हम उसका रिगार्ड डिसरिगार्ड ना करें, रिगार्ड दें, लेकिन हम खुद को आगे भी तो बढ़ा सकते हैं, हम पीछे क्यों रखें, शुरू से है कि बाबा हमको जाना है आगे, हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे ना बाबा, इस पे मेरा टेंशन है, अब बाबा करवा रहा है बहुत अच्छे से करवा रहा है, लेकिन अपने ऊपर अटेंशन, हर चीज का टेंशन, ओम शांति।